गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज डेट है 11 तारीख, अभी रात में 12 बज रहा है। तो अभी हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे रास्ते, मतलब पूर्णिया के रास्ते जाएंगे। अभी वो लोग जल लेके आ रहा है। तो आज हम मॉर्निंग में क्यों व्लॉग स्टार्ट नहीं, क्योंकि क्यों नहीं किए वो आपको हम आगे बताएंगे। क्योंकि अभी हम जा रहे हैं, तो अभी पेट्रोल ले रहे हैं गाड़ी में, उसके बाद लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। तो अभी पेट्रोल भर लिया गया, उसके बाद निकलते हैं, अभी आपको आगे दिखाते हैं आगे जर्नी। तो क्या क्या सब होता है, फुल मस्त, फुल मज़ा आने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ बाइक, यहाँ तो यहाँ बाइक में लाइट बंद हो चुका था, तो अभी लाइट जलाएं दादाजी। तो इतना कितना ज़बरदस्त लग रहा है गाड़ी में, गाड़ी के पीछे में जब चलेगा तब दिखाएंगे आपको, तो और भी ज़बरदस्त लगता है चलने में। तो अभी चलते हैं हम लोग, तो वहाँ लाइट वाइट जल रहा है, तो उधर चलते हैं हम लोग। तो मिलते हैं आपको आगे। जहाँ जहाँ तक ये मरकरी लगा हुआ है, वहाँ वहाँ तक ये सेवा शिविर लगा हुआ है, जो कि आज अभी कुछ देर में कांवड़िया लोग आने वाला है, उसके लिए सेवा शिविर लगाया गया है, पूरा लाइट का व्यवस्था किया गया है। तो आगे और भी आपको चीज़ दिखाएंगे। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देख सकते हैं। यहाँ ये सेवा शिविर लगाया गया है, तो ये सेवा शिविर है, देख सकते हैं। तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ आगे लगाया गया। तो अभी हम लोग चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक हाला, तो यहाँ दूसरा जगह सेवा शिविर लगाया गया है। तो ये पहला वाला आप देख चुके थे, और दूसरा वाला ये देख लीजिए कहाँ लगाया गया। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ प्रोग्राम का व्यवस्था किया गया है, जो कि कांवड़िया लोग को देखने का मौका मिले। तो ये देख सकते हैं, चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो ये तीसरा जगह है जो कि यहाँ स्वागत किया जा रहा है, मतलब कांवड़िया लोग का। तो इधर भी है, और एक छूट गया पीछे में, तो हम लोग स्पीड से आ रहे थे। तो और भी चलते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो ये है जलालगढ़ काली मंदिर, जो यहाँ सबसे ज़्यादा ही कांवड़िया का स्वागत किया जाता है। तो आपको यहाँ का व्यवस्था दिखाते हैं, और यहाँ क्या क्या सब है, तो ये भी आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप। तो ये है, सब गाड़ी वाड़ी लगा हुआ है, और यहाँ कांवड़िया सब बीच में भी सोया हुआ है, और यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है, यहाँ देख सकते हैं। तो और इधर ये काली मंदिर है, और यहाँ प्रोग्राम का भी व्यवस्था किया गया है, और देख सकते हैं, और मंदिर को पूरा अच्छा तरह से डेकोरेट किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं श्रद्धालुओं का कितना ज़्यादा ही भीड़ है। तो चलते हैं और आपको और दिखा दें। तो अभी जलालगढ़ काली मंदिर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पीछे देख सकते हैं कितना कांवड़िया है। तो अभी यहाँ वो लोग का वेट कर रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा ही, यहाँ से हम लोग अररिया गाँव से यहाँ तक रात में 1.5 घंटा के आसपास यहाँ अभी आए हैं। और यहाँ दिखाते हैं, प्रोग्राम भी हो रहा है, तो यहाँ का आपको दृश्य दिखा दिया। तो यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही भीड़ है। तो ये देखिए, तो कांवड़िया लोग इधर भी सोए हुए हैं, तो इधर भी ज़्यादा भीड़ है, तो उधर प्रोग्राम हो रहा है। कौन बांधेगा, आइए उस पर वो देख सकते हैं, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न आपको कुछ देर में बताते हैं आपको। तो ये है नज़ारा यहाँ का जलालगढ़ कंदी काली मंदिर का, तो आपको यहाँ का अच्छा से व्यू दिखाते हैं। एक आवश्यक सूचना है, एक बाइक इस भीड़ में खो गए हैं। अमर जी, अमर कुमार जी, अगर आप आवाज सुन रहे हो, तो आपके मित्र सुरेंद्र जी यहाँ स्टेज के पास में है, और आपको अगर पता होगी आपकी गाड़ी कहाँ लगी हुई है, तो कृपया गाड़ी के पास पहुँच जाए। अमर जी, आपके मित्र सुरेंद्र जी आपको खोज रहे हैं, आवाज सुन रहे हो, तो आप कृपया गाड़ी के पास पहुँच जाए। और चलिए भजन की तरफ रुक रहे हैं।
भोले बाबू ने महादेव की आए बाय जाए, तो बहुत जोर से बोलिए जाए बाय 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 और मैं चाहूंगी जितने सारे गणेश का मम्मी हाथ उठा लीजिए। क्या बात, अरे गणेश की मम्मी, इनका कहने का मतलब है आपके तो बच्चे हैं ना, बच्चे मतलब गणेश ही होता है, बच्चे गणेश के ही रूप होते हैं, तो अपने अपने गणेश के लिए। हाँ गणेश की मम्मी, अरे नहीं गणेश तो मुन्नु चुन्नु छै ने ओकरे लूट हो ने, एक बार हो जाए जोर से, सभी को दोनों हाथ उठा कर दिए। बाप रे एतेक जाड़ होय छे काकी जे अंगना का हाँ को कुआल छी, गरम से लोग के मन व्याकुल छे। तो हे गाइस, तो रीजन ये था कि आज हम दिन भर में व्लॉग शूट नहीं किए, तो ना ही बोल बम का हम कलर का कोई टी शर्ट पहन गया है, ना ही हम कोई दूसरा नीचे पैंट भी पहने हैं, क्योंकि मेरे घर के बगल में दादाजी थे जो कि डेथ कर चुके थे, तो उसी में बिजी थे, तो हम कहीं ना किसी को छू सकते हैं कांवरिया सबको, ऐसे हम आए देखने के लिए, घूमने के लिए, बस और कुछ नहीं है, बस ऐसे आपको दिखाने के लिए आए, और आप लोग भी चलते हैं, आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए, और भी कुछ आपको दिखाएंगे, तो ऐसे अभी आप लोग को दिखाने के लिए आए, तो अभी कुछ नहीं किया है, तो बस अभी सोने वाले से निकल, अचानक कुरान बना के नहीं जाना है, इसलिए ऐसे आए हैं, तो अभी मेरे साथ आप बने रहिए, तो आपको दिखाते हैं। तो अभी हम दुख है थोड़ा, क्या नहीं आना चाहिए था, लेकिन आए हैं तो मन ऐसे किया घूमने का, इसलिए हम लोग चले आए, तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। तो हे गाइस, तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो पार्ट वन ये है देखिए, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और पार्ट टू जल्द ही एडिट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया तो उसको एडिट कर रहे हैं, तो वो भी कल या परसों आ जाएगा, तो बने रहिए, तो प्यार दीजिए, तो और बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। तो अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।